आज हम CBSE 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। आप सभी को पता है वेव ऑप्टिक्स चैप्टर बच्चों को पढ़ने के लिए थोड़ा टिपिकल होता है क्योंकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शंस की प्रैक्टिकल हमारे क्लास लेक्चर्स में अवेलेबल नहीं होता है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे बनता है, विड्थ ऑफ द फ्रेट विथ फिंज विथ क्या होंगे, फ्रिंज विथ है क्या है, एक्चुअली बच्चों के सामने नहीं होता है, इसीलिए चैप्टर्स शुरू से थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा, जैसे आप 3 और 4 घंटे के अंदर ये चैप्टर की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। मैं कुछ CBSE मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वेब ऑप्टिक्स CBSE 220 के बारे में आज कुछ बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन वेव फ्रंट्स एंड टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स विद डायग्राम। सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ द इंसिडेंट वेव फ्रंट इन प्रिज्म, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर्स। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन हाइजेंस प्रिंसिपल एंड विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट इन 2020। डिफाइन इंटरफेरेंस, राइट इज कंडीशन, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कुछ प्रॉब्लम, इफ इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्स आर इक्वल प्रूव दैट इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल फ्रिंज इज 4 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सोर्स ऑफ फ्रिंज। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू रूट आई वन बाई रूट आई टू माइनस रूट आई वन माइनस रूट होल स्क्वायर। आई वन इज द इंटेंसिटी ऑफ सोर्स इंटेंसिटी ऑफ वन स्लिप, आई टू इज इंटेंसिटी ऑफ अनदर स्लिप, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट सोर्स एंड बी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड सोर्स एंड डब्ल्यू वन इज द विड्थ ऑफ द प्लस फर्स्ट स्लिप एंड डब्ल्यू टू इज द विड्थ ऑफ सेकेंड स्लिप। वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी problem we have to solve in this formula, but formula is same but problem will be different. Next, describe the theory of interference and derive the expression of width of bright and dark fringe. Beta is equal to capital D lambda by small d. Capital D is the distance between screen and double slit and D is the slit separation, small d is the slit separation. एंड केस स्टडी ऑफ यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट। मैं ये जो 8 क्वेश्चंस मैं डबल टिक कर रहा हूँ क्योंकि जो 8 क्वेश्चन जो केस स्टडी है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आने की चांस बहुत ज़्यादा है। शॉर्ट क्वेश्चन किस किस बेस के ऊपर मैं आपको बताऊँगा, जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर होल एपरेटर्स को हम वाटर में इमर्ज कर देते हैं तो फ्रिंज विड्थ में क्या चेंज आएगी, और हम अगर डबल स्लिट के अंदर एक स्लिट को बंद कर देते हैं तो क्या बिहेव करेगा फ्रिंज, मतलब फ्रिंज पैटर्न कैसे होंगे। तीसरा केस है, सोर्स स्लिट को डबल स्लिट को पास ले जाएंगे तो फ्रिंज में क्या चेंज आएगा, शॉर्टर वेवलेंथ इज रिप्लेस बाय लार्जर वेवलेंथ, तब क्या आएगा, इस प्रॉब्लम में मैं डिस्कस करूंगा। ड्रॉ द ग्राफ इंटेंसिटी वर्सेस पोजीशन एंड एंगुलर विड्थ यह आपको करना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैं 10th क्वेश्चन में लिखा हूं, इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट that two coherent sources have slightly different intensity I1 and I plus del I and show that resultant intensity at the maximum is nearly 4I while minimum is lambda I square by 4I. Now, most important questions ke andar question number 11, in the YDSC experiment such that distance of the screen from the double slit is half of the distance between slits and value of d in terms of lambda such that the first maxima on the screen fall at distance d from the center. There is a diagram. अगर ये problem solve ना हो
तो कैसे सॉल्व करना है बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, फिर मैं सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम के दे दूंगा। फिर इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट 600 नैनोमीटर्स एंगुलर फ्रिक्स ऑफ द फ्रिंज फॉर्म ऑन ए डिस्टेंस इज 0.1 डिग्री दैट इज थीटा, मतलब एंगुलर फ्रिक्स से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है इसका। फाइंड द स्पेस बिटवीन टू स्लिट्स, मतलब आपको स्मॉल डी निकालना है। नेक्स्ट इसमें एक डिफ्रैक्शन की प्रॉब्लम है, ये पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट वेवलेंथ 500 नैनोमीटर्स फॉल नॉर्मली ऑन ए स्लिट एंड रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न्स इज बिटवीन ऑन ए स्क्रीन 1 मीटर अवे, स्लिट इज ऑब्जर्व द फर्स्ट मिनिमम एट द डिस्टेंस 2.5 mm, फाइंड द width of the slit and distance of the screen and maximum from the center of the screen. The width of the central maximum. तीनों points करना है, तीन नंबर में है। Next problem, define diffractions. Write the conditions of the diffraction of light. Diffraction means it is the phenomenon of bending of light around the corner of slits. And ये आपको conditions पता होगा, जो slits width होगा वो near equal to the wavelength of light. Can explain the diffractions of light, that is single slit experiments, hence derive the expression the width of the central maximum 2 d lambda by a and also write the position of maxima and minima. ये दोनों formula आपको maxima करना है. Question number 16, draw the graph intensity versus angular width in the diffraction of lights. उसका पैटर्न्स मैं बना दिया है, क्लास नोट्स में आपको मिल जाएगा, बट ये बनाना आपको पड़ेगा। राइट द एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स, कुछ आंसर मैंने लिख दिया है, स्पेक्ट्रोमीटर, एक्सरे, होलोग्राफ, क्रिस्टल होलोग्राफी। वैलिडिटी ऑफ वेव ऑप्टिक्स एंड फ्रिजनल डिस्टेंस डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय लैम्डा, ये इज द width of the single slit and lambda is wavelength of lights. And next problem, polarization of lights, important topic है, very important questions polarization of light से आते हैं। पहले आपको define करना है, फिर आपको बताना है why polarization is not found in the sound wave. देखिए sound wave longitudinal waves होता है, इसलिए उसमें polarization नहीं होता है, but light is a ट्रांसवर्स वेव होता है, इसलिए पोलराइजेशन होता है। ये थ्योरी में आप पढ़े होंगे। राइट ऑफ आउट इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर्म ए पोलराइज आई नॉट बाई टू, ये लिखना है। डिराइव एंड डिफाइन द लॉ ऑफ मैलस, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार आप डिराइव कर लोगे तो मेरे ख्याल से सही आएगा। एंड ड्रॉ द ग्राफ इंटेंसिटी वर्सेस एंगल, लॉ ऑफ मैलस की ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है। सम प्रॉब्लम ऑफ पोलराइड्स लाइक एस, ये पोलराइड P1, सेकेंड पोलराइड्स P2, इट इज द पास एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड, पास एक्सिस ऑफ द सेकेंड पोलराइड्स, टू पोलराइड P1 एंड P2 बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स, देन थर्ड पोलराइड इज प्लेस बिटवीन टू पोलराइड्स एंड मेक इट एंगल्स द विद द पास एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड इज 30 degree. फिर आपको निकालना है, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर्म पोलराइड P1 दैट इज I1 कितना है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम P3 I3 कितना है एंड I2 कितना है। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन बाय ब्रूस्टर लॉ, tan IP = NT1, IP इज द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, NT1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस मीडियम। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2020, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये जो दोनों टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप 2n साइन थीटा, इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर चेंज इफ रेड लाइट इज प्लेस बाय ब्लू लाइट्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज चेंज्ड। तो जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से आप बता दोगे इसका आंसर। उसके बाद रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप दैट इज D upon 1.22 lambda, इससे भी